गैंग्स ऑफ पंजाब। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर्स की रियल स्टोरी। रैपर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद पंजाब में गन कल्चर और हिंसक गैंग वॉर खुलकर सामने आ गए हैं। पंजाब में संगठित अपराधियों के लगभग 70 गिरोह होने का अनुमान है, जो अपहरण, हत्या, डकैती सहित कई तरह के गैर कानूनी धंधों में शामिल हैं। हाल के वर्षों में की गई कुछ गिरफ्तारियों और पुलिस मुठभेड़ों के बावजूद सरकार ऐसे गिरोहों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं पंजाब के कुछ सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने सबसे पहले गायक सिद्धू मूसेवाला को मारने का दावा किया था। गिरोह का सरगना लॉरेंस खुद है, जो जेल के अंदर से भी अपनी गैंग को ऑपरेट कर सकता है। बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धतरान वाली गाँव में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल थे। जब बिश्नोई 5 साल का था, तब उसके पिता ने नौकरी छोड़ दी और खेती करने लगे थे। बिश्नोई ने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। 2009 में बिश्नोई पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन में शामिल हो गया और छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष गोल्डी पराड़ से मिला। कॉलेज के शुरुआती वर्षों में ही बिश्नोई अवैध गतिविधियों में शामिल होने लगा और उसके खिलाफ चंडीगढ़ में पुलिस केस भी दर्ज हुआ। बिश्नोई के खिलाफ पहली FIR हत्या के प्रयास की थी। उसके बाद अप्रैल 2010 में एक घर में जबरन घुसने की शिकायत भी हुई। फरवरी 2011 में बिश्नोई के खिलाफ मारपीट और डकैती का मामला भी दर्ज किया गया। 2018 में बिश्नोई सुर्खियों में आ गया जब उसके एक निकट सहयोगी संपत नेहरा को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मारने की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नेहरा ने दावा किया कि बिश्नोई ने उन्हें ये काम करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बिश्नोई उस समुदाय से ताल्लुक रखता है जो काले हिरण को पवित्र मानते हैं। सलमान खान को 1998 में काले हिरण के शिकार मामले में दोषी ठहराया गया था। तब से उसने अपने किए की माफी नहीं मांगी थी, जो बिश्नोई को बुरी बात लगी। घटना के वक्त बिश्नोई राजस्थान की भरतपुर जेल में कैद था और कथित तौर पर जेल के अंदर से सेलफोन का उपयोग करके अपनी गतिविधियां चलाता था। अपने फेसबुक प्रोफाइल पर बिश्नोई ने लिखा कि वो समाज सेवा में अलग शैली के साथ काम करता है। बिश्नोई के गिरोह में पेशेवर निशानेबाज शामिल हैं। ये गिरोह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से संचालित होते हैं। इसका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। गिरोह शराब माफिया, पंजाबी गायकों और अन्य प्रभावशाली लोगों से पैसे की वसूली करता है। वर्तमान में बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 8 में हाई सिक्योरिटी जोन में बंद है। उस पर IPC की धाराओं के तहत हत्या, अत्याचार, डकैती और हमले सहित कई अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। गोल्डी पराड़। गोल्डी का असली नाम सतिंदर सिंह है। वो एक समय लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी था। फरीदकोट जिले का मूल निवासी बरार कॉलेज के दिनों में बिश्नोई से मिला था। एक दिन बरार ने उसकी फेसबुक पोस्ट में मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसमें उसने लिखा, मैं लॉरेंस बिश्नोई गुट के सचिन बिश्नोई धतरान वाली के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेता हूँ। बरार का नाम विक्की मिट्टू खेड़ा और गुरलाल बराड़ की हत्या में भी सामने आया था, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कुछ खास कार्यवाही नहीं की। युवा अकाली दल के नेता विक्की मिट्टू खेड़ा उर्फ विक्रमजीत सिंह की अगस्त 2021 में मोहाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2021 में बराड़ ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए एक और हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मृतक की पहचान श्यामालाल उर्फ शमा के रूप में हुई, जिसके खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज थे। बराड़ ने दावा किया कि शमा प्रतिद्वंदी समूहों को मदद और जानकारी मुहैया कराती थी। उसने ये भी आरोप लगाया कि चंडीगढ़ में 2020 में मारे गए पूर्व छात्र नेता और बिश्नोई गिरोह के सदस्य गुरलाल बराड़ की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों की आपूर्ति शमा ने ही की थी। यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या में नाम सामने आने के बाद बराड़ कथित तौर पर
2021 में कनाडा भाग गया, वो आज तक फरार है। विक्की गौंदर। विक्की गौंदर का असली नाम हरजिंदर सिंह भुल्लर था। वो डिस्कस थ्रो का पूर्व नेशनल प्लेयर था। विक्की को उसके दोस्तों ने ग्राउंडर की उपाधि दी थी क्योंकि वो अपने खेल कौशल की वजह से कॉलेज में लंबा वक्त मैदान में ही बिताता था। लेकिन डिस्कस ने गौंदर को प्रसिद्ध नहीं बनाया बल्कि बंदूकों ने विक्की को मशहूर कर दिया। गौंदर 2010 से 2015 के बीच पंजाब के टॉप गैंगस्टर्स में से एक था। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, लूट के करीब 2 दर्जन मामले दर्ज थे। गौंदर और उसके गिरोह के अपराध एक राज्य तक सीमित नहीं थे, वो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी वांटेड था। उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। उसका जन्म मुख्तसर जिले के सरवा बोडला गांव में हुआ था। वो परिवार में 3 बच्चों में सबसे बड़ा था। 2004 में उसके पिता मेहल सिंह ने उसे जालंधर के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज में इस उम्मीद के साथ भेजा था कि उनका बेटा किसी दिन राष्ट्रीय स्तर का डिस्कस चैंपियन बनेगा। 2007 में उसे सीमा सुरक्षा बल BSF में एक हेड कांस्टेबल की नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसने नौकरी नहीं की। इसके बजाय वो अपनी जिंदगी के दूसरे छोर पर आ गया और एक गैंगस्टर बन गया। जिन लोगों ने गौंदर को अपराध की दुनिया से परिचित कराया वो थे नवप्रीत सिंह उर्फ लवली बाबा और गैंगस्टर प्रेमा लाहौरिया। तीनों ने जालंधर में एक साथ काफी वक्त बिताया। लाहौरिया का दोस्त था सुखा कहलो जो एक गैंगस्टर था। चूंकि लवली बाबा और विक्की गौंदर लाहौरिया के गहरे मित्र थे इसलिए उनकी भी कहलो से गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। अहंकार का टकराव हुआ और कहलो ने बाबा को मार डाला। गुस्से में गौंदर ने प्रतिज्ञा ली कि वो अपनी दोस्त की मौत का बदला लेगा। लाहौरिया भी कहलो के खिलाफ गौंदर के साथ खड़ा था। जनवरी 2015 में जब कहलो को अदालत की सुनवाई के बाद जालंधर की नाभा जेल से लाया जा रहा था, गौंदर ने उसकी हत्या कर दी। बाद में पंजाब पुलिस ने गौंदर को गिरफ्तार कर लिया। गौंदर को गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह रॉकी की हत्या में सह आरोपी के रूप में भी शामिल किया गया। लेकिन गौंदर ज्यादा वक्त तक जेल में नहीं रहा। नवंबर 2016 में उसके दोस्त लाहौरिया ने गौंदर को छुड़ाने के लिए जेल तोड़ दी। नाभा जेल से 5 गैंगस्टर और एक खालिस्तानी आतंकवादी सहित 6 कैदी फरार हो गए। अगले 2 साल तक गौंदर और लाहौरिया पंजाब के जालंधर, मोगा, मनसा, गुरदासपुर और राजस्थान के श्रीगंगानगर और हरियाणा के यमुनानगर में गुप्त ठिकाने बनाकर पुलिस से छिपते भागते रहे। आखिरकार जनवरी 2018 में पुलिस उन्हें पंजाब राजस्थान सीना के पास खोजने में सफल रही। जब पुलिस ने ठिकाने पर छापा मारा तो गौंदर और लाहौरिया ने एक अन्य गैंगस्टर के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस मुठभेड़ में गौंदर और लाहौरिया दोनों मारे गए। ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए रियल स्टोरीज ब्लॉग्स। लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।